अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स, केविन ब्रेकन, बिल पैक्टसन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रॉयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिसगर्ड की कहानी बताती है जो चंद्र पर अमेरिका की पांचवें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रॉयल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन, डीन कुंडी द्वारा संपादित, डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, कार्यक्रम 140 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और एकेडमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके स्लेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटी गिली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मिटिंगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मिटिंगली के बैकअप जेक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13
को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद स्क्वाड्रन कमांड मॉड्यूल ओडिसी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्वाड्रन तरल ऑक्सीजन सरगर्मी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइव में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा, जबकि स्वीगर्ड ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है। न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर करना के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो में मिलाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ड्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांड डर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्वाड्रन के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क विलर थे। अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लेरी विलियम्स थे। अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे। अपोलो 13 बेकोफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे। कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन
कोच थे क्रिस एलिस। फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके डेके सलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ई सीकॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेली मेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेबरियन योर सिम के रूप वन के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्क के लिए एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स केविन ब्रेकन बिल पैक्टसन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री जेक रिस्गर्ड की कहानी बताती जो चंद्र पर अमेरिका की पांचवें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन डीन कुंडी द्वारा संपादित डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान नियंत्रण प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके इंसलेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले
मिट्टिंगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मिट्टिंगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है, लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद स्क्वाड्स कमांड मॉड्यूल ओडिशी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्वाड्स तरल ऑक्सीजन सरगर्मी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडीसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइव में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा, जबकि स्विगर्ड ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है। न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को USS ईवो म्यूजियम में लाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ड्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्रमा पर लौटेगी।
अपोलो 13 का क्रू कमांडर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ बैक ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्रूगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेट हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे। अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लेरी विलियम्स थे। अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे। अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे। कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे। क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ईईसी कॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेली मेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेब्रियन योर सिम के रूप वन के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्ग के लिए एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टोर रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स केविन बेकन बिल पैक्टन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ट की कहानी बताती है जो चंद्र पर अमेरिका की 5वें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन डीन कुंडी द्वारा संपादित डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को
ने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज़ किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी इस पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके इंसुलेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मेटिगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मेटिगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है लेकिन जब इसलेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद स्क्यूगर्ड्स कमांड मॉड्यूल ओडिशी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्यूगर्ड्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लीबर गोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा जबकि स्यूगर्ड ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा
तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्टिगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिशी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिशी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो जीवन में लाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ट्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांडर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ बैक ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्रूगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे। अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लैरी विलियम्स थे। अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे। अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे। कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे। क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुए प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुइसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ईईसीकॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेब्रियन योर्क सिम के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्कली एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक ऑफिसर अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स केविन ब्रेकन बिल पैक्टन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयर्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ड की कहानी बताती जो चंद्र पर अमेरिका की 5वें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन
को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रोन हावर्ड्स है, पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन, डीन कुंडी द्वारा संपादित, डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, कार्यक्रम 140 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। हावर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके स्लेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटी गिली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मिटिंगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मिटिंगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही शेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद इस कमांड मॉड्यूल ओडिसी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्रूगर्ट्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंकोषकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा जबकि
सुगर्ट ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रॉस ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो में मिलाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ड्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांड डर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्रूगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लैरी विलियम्स थे, अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे, अपोलो 13 बेकोफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे, कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे, क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे, नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे, टोड लुसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ईईसीकॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे, जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टैली मैट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए, फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेबरियन योर सिम के रूप में नजर आए, एनी हट के रूप में जेडर बर्कली एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टोर रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष
डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स, केविन ब्रेकन, बिल पैक्टसन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिसगर्ड की कहानी बताती जो चंद्र पर अमेरिका की 5वें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन, डीन कुंडी द्वारा संपादित, डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, कार्यक्रम 140 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके इंसुलेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मेटिगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मेटिगली के बैकअप जेक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब इसलेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद इस स्क्वाड्स कमांड
मॉड्यूल ओडिसी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्रूगर्ट्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंकोषकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा, जबकि स्विगर्ट ने ओडिसी को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को USS ईवो म्यूजियम में लाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ट्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांडर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्रूगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लैरी विलियम्स थे, अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे, अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे, कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे, क्रिस एलिस
फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लिन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ई सीकॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेबरियन योर सिम के रूप वन के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्कली एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टोर रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स, केविन बेकन, बिल पैक्टन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रॉयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ड की कहानी बताती है जो चंद्र पर अमेरिका की पांचवें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रॉयल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन डीन कुंडी द्वारा संपादित डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई सन 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके स्लेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मिटिंगली जर्मन के
खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मिटिंगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है, लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है, लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद स्क्यूगर्ड्स कमांड मॉड्यूल ओडिशी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्यूगर्ड्स तरल ऑक्सीजन सरगर्मी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लीबर गोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइव में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा, जबकि स्यूगर्ड ने ओडिसी को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो विजयों में लाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ड्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांड
डर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ बैक ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्वगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे। अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लैरी विलियम्स थे। अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे। अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे। कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम टू के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे। क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुए प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुइसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ईईसी कॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेब्रियन योर्क सिम के रूप वन के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्ग के लिए एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्ट और रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स केविन ब्रेकन बिल पैक्टसन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयर्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ड की कहानी बताती जो चंद्र पर अमेरिका की पांचवें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन डीन कुंडी द्वारा संपादित डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को
संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज़ किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और एकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई सन 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविज़न पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके स्लेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटी गिली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मिटिंगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मिटिंगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद इस्क्यूगर्ट्स कमांड मॉड्यूल ओडिसी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्रूगर्ट्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंकोषकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है। लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और जहां हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा जबकि स्वीगर्ड ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है। फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया
पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिशी को फिर से शुरू करता है, और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिशी की हीट शील्ड बरकरार है, और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो में मिलाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ड्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है, और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांडर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया, और केविन बेकन ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्रूगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लेरी विलियम्स थे, अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे, अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे, कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे, और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे, क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे, नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्षयान केंद्र थे, और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे, और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे, टोड लुसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई, और ईईसीकॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टैली मैट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए, और कार्ल ग्रेबरियन योर सिम के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्कली एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड्स द्वारा निर्देशित, और इसमें टॉम हैंक्स, केविन बेकन, बिल पैक्सटन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिसगर्ड की कहानी बताती जो चंद्र पर अमेरिका की 5वें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था, रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन
को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रोन हावर्ड्स है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन डीन कुंडी द्वारा संपादित डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हावर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान नियंत्रण प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके इंसुलेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मेटिगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मेटिगली के बैकअप जेक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब इसलेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद इस्क्वाड्स कमांड मॉड्यूल ओडिशी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्वाड्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडीसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करने के लिए सख्त बनाया जाएगा जबकि
सुगर्ट ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रॉस ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो म्यूजियम में लाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ट्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांडर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ बैक ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्विगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लैरी विलियम्स थे, अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे, अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे, कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे, क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे, नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्षयान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे, टोड लुइसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ईईसी कॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेब्रियन योर सिम के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्कली एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टोर रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष
डोक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स, केविन ब्रेकन, बिल पैक्टसन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रॉयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ड की कहानी बताती है, जो चंद्र पर अमेरिका की 5वें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था, जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रॉयल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन, डीन कुंडी द्वारा संपादित, डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में, कार्यक्रम 140 मिनट, देश संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल, जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके स्लेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मेटिगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मेटिगली के बैकअप जेक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है, लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है, लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद इस कमांड
मॉड्यूल ओडिसी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्रूगर्ट्स तरल ऑक्सीजन सरगर्मी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लीबर गुड क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइव में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा, जबकि सुगर्ट ने ओडिसी को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है और न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर का नायक के स्वागत के लिए चालक दल को यूएसएस ईवो विमान में लाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्विगर्ट्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्रमा पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांड डर जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ बैक ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्रूगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे, अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लैरी विलियम्स थे, अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे, अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे, कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे, क्रिस एलिस
फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानव युक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुए प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुइसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ई सी कॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टेलीमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेब्रियन योर्क सिम के रूप वन के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्कली एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डोक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स, केविन ब्रेकन, बिल पैक्टन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ड की कहानी बताती है जो चंद्र पर अमेरिका की पांचवें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए तीन अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन, डीन कुंडी द्वारा संपादित, डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान यंत्र प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और एकेडमी पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई सन 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके स्लेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटी गली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मिट्टी उंगली जर्मन के
खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मिटिंगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है, लेकिन जब स्लेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है, लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद स्क्यूगर्ड्स कमांड मॉड्यूल ओडिसी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्यूगर्ड्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंकोषकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है, लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और जहां हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा, जबकि स्यूगर्ड ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर वापसी के लिए अपनी बैटरी की शक्ति बचाने के लिए क्रास ने अपनी टीम पर अंतरिक्ष यात्रियों को घर लाने का आरोप लगाते हुए असफलतापूर्वक कोई विकल्प नहीं है और उपभोज्य प्रबंधक जॉन आरोन ने पृथ्वी पर लैंडिंग के लिए ओडिसी को फिर से शुरू करने की प्रक्रिया को सुधारने में मदद करने के लिए मेंटिगली की भर्ती की। जैसे ही चालक दल चंद्रमा को अपने नीचे से गुजरते हुए देखता है, लोवेल उसकी सतह पर चलने के लिए अपने खोए हुए सपने का अफसोस कर जताता है, फिर अपने दल का ध्यान पहुंचाने के व्यवसाय केंद्रित करता है। न्यूनतम विद्युत शक्ति और राशन पानी की आपूर्ति पर चलने वाले एक्लेरियस का कारण चालक दल पर ठंड की स्थिति को पीड़ित होता है और वह हाइस को मूत्र पंथ में संक्रमण हो जाता है। स्ट्यूगर्ट को संदेह है कि मिशन कंट्रोल इस तथ्य को छिपा रहा है। मेटिंगली ने आरोन बहुत अधिक शक्ति खींचे बिना कमांड को मॉड्यूल सिस्टम को शक्ति देने का एक तीसरा तरीका खोजने के लिए संघर्ष किया और अंत में स्ट्यूगर्ट को प्रतिक्रिया पढ़ते हैं कि एक्वेरियस के अतिरिक्त शक्ति प्राप्त करके ओडिसी को फिर से शुरू करता है। और जब चालक दल ने सर्विस मॉड्यूल को बंद कर दिया तो वह क्षति की सीमा में आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जिससे यह संभावना बढ़ गई कि एब्लेटिव सीट हीट शील्ड से समझौता किया है कि जैसे ही एक्वेरियस छोड़ते हैं और पृथ्वी का वायुमंडल से फिर से प्रवेश होता है तो कमी को भी यकीन नहीं होता है कि ओडिसी की हीट शील्ड बरकरार है और आयनीकरण ब्लैकआउट के कारण रेडियोमोन की तनावपूर्ण अवधि सामान्य हो लंबी अभी भी है, लेकिन अंतरिक्ष यात्री रिपोर्ट करते हैं कि सब कुछ ठीक है और दुनिया ओडिसी को छींटे पकड़ते हुए देखती है और उनकी वापसी का जश्न मनाती है। जैसे हेलीकॉप्टर करनायक के स्वागत के लिए चालक दल को USS ईवो में मिलाते हैं तो लेवल का आवाज में विस्फोट के कारण हाइस स्यूगर्ड्स और मेटिकली और क्रास के बाद कैरियर का वर्णन किया जाता है और इस आश्चर्य करता है कि यह कब मानव जाति चंद्र पर लौटेगी। अपोलो 13 का क्रू कमांड
जिम लोवेल के रूप में टॉम हैंक्स ने किरदार निभाया और केविन बेकन ऑफ बैक ऑफ ओब्लिक प्राइम्स कमांडर मॉड्यूल पायलट जेक स्क्विगर्ट्स के रूप में किरदार निभाया। लूनर मॉड्यूल पायलट फ्रेड हाइस के रूप में बिल फैक्सन ने किरदार निभाया। गैरी सिनिस प्राइम ओब्लिक ग्राउंडेड कमांड मॉड्यूल पायलट केन मोगली के रूप में किरदार निभाया। अन्य अंतरिक्ष यात्री जो अपोलो 11 कमांडर नील आर्मस्ट्रांग के रूप में मार्क व्हीलर थे। अपोलो 11 लूनर मॉड्यूल पायलट बज एल्ड्रिन के रूप में लेरी विलियम्स थे। अपोलो 12 कमांडर पिट कॉनराड के रूप में डेविड एंड्रयूज थे। अपोलो 13 बेकऑफ कमांडर जॉन यंग के रूप में बेन मार्लो थे। कैप्सूल कम्युनिकेटर्स के रूप में ब्रेट कुलेन थे और कैपकॉम 2 के रूप में नेड वॉन थे। नासा और ग्राउंड कार्मी जो थे वो देखा गया है कि एड हैरिस वाइट टीम फ्लाइट्स डायरेक्टर जीन रोज थे। क्रिस एलिस फ्लाइट क्रू ऑपरेटर डेके सेलेटन के निर्देशक के रूप में थे। नासा के निर्देशक के रूप में जोस स्पोन मानवयुक्त अंतरिक्ष यान केंद्र थे और ब्लैक टीम फ्लाइट डायरेक्टर ग्लीन लूनी के रूप में मार्क मैकलेसर थे और वाइट टीम इलेक्ट्रिकल पर्यावरण के उपभोक्ता वस्तुएं प्रबंधक थी। वाइट टीम जेरी बोस्टी के रूप में रे मैकिनोन थे। टोड लुसो वाइट टीम फ्लाइट एक्टिविटीज ऑफिसर के रूप में नजर आई और ईईसीकॉम जॉन आरोन के रूप में लोरेन डीन थे। जिम मैस्कीमेन वाइट टीम टैली मैट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स ईवीए और मोबिलिटी यूनियन ऑफिसर के रूप में नजर आए। फ्लाइट सर्जन डॉक्टर चार्ल्स डोरी के रूप में क्रिश्चियन क्लेफमेशन नजर आए और कार्ल ग्रेबरियन योर सिम के रूप वन के रूप में नजर आए। एनी हट के रूप में जेडर बर्क के लिए एक काल्पनिक नासा ऑफिस ऑफ पब्लिक अफेयर्स स्टाफ सदस्य के रूप में नजर आए थे। अपोलो 13 अमेरिकन मूवी के फैक्टो रिव्यू। अपोलो 13 सन 1995 की एक अमेरिकी अंतरिक्ष डॉक्यू ड्रामा फिल्म है जो रॉन हॉवर्ड्स द्वारा निर्देशित और इसमें टॉम हैंक्स केविन ब्रेकन बिल पैक्टसन और एड हैरिस और गैरी सिनिस ने अभिनय किया है। विलियम्स ब्रोयल्स जूनियर और अल रिटर्न्स की पटकथा सन 1970 के निरस्त अपोलो 13 चंद्रयान चंद्र मिशन पर नाटकीयकरण करती है। यह अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर की 1994 की पुस्तक लॉस्ट मून द पेरिलस वॉज ऑफ अपोलो 13 का रूपांतरण है। फिल्म अंतरिक्ष यात्री लोवेल जेक रिस्गर्ट की कहानी बताती जो चंद्रमा पर अमेरिका की 5वें चालक दल मिशन के लिए अपोलो 13 पर सवार फ्रेड हाइट जिसका उतरने का इरादा तीसरा था। रास्ते में वह ऑन बोर्ड विस्फोट के से उसके अंतरिक्ष यान में अधिकांश ऑक्सीजन आपूर्ति और विद्युत शक्ति से वंचित कर दिया जाता था जो नासा के उड़ान के नियंत्रकों को चंद्रमा लैंडिंग मिशन को रद्द करने के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लाने के लिए वैज्ञानिक और यांत्रिक समाधानों को सुधारने के लिए मजबूर करता है। फिल्म का निर्देशक रॉन हॉवर्ड है। पटकथा विलियम्स ब्रोल्स जूनियर अल रिटर्न्स आधारित है। खोया चंद्रमा जिम लोवेल और जेफरी क्लूगर द्वारा उत्पादित है। ब्रायन ग्रेसर द्वारा छायांकन डीन कुंडी द्वारा संपादित डैनियल पी हैनी और माइक हिल द्वारा संगीत है। जेम्स हार्नर द्वारा उत्पादन कंपनी यूनिवर्सल पिक्चर्स इमेजिन एंटरटेनमेंट द्वारा वितरित किया। यूनिवर्सल पिक्चर द्वारा तारीख रिलीज करने की तारीख 30 जून 1995 को संयुक्त राज्य अमेरिका में। कार्यक्रम 140 मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका भाषा अंग्रेजी। हॉवर्ड्स ने तकनीकी रूप से स्टीव फिल्म बनने के लिए बहुत प्रयास किए। अपने कलाकारों के अंतरिक्ष यात्री और उड़ान नियंत्रण प्रशिक्षण में नासा की सहायता ली और अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा अनुभव की गई भारहीनता के यथार्थवादी विचित्रण के लिए कम गुरुत्वाकर्षण वाले विमान के दृश्य को फिल्माने की अनुमति प्राप्त की। 30 जून 1995 को
संयुक्त राज्य अमेरिका में सिनेमाघरों में फिल्म को रिलीज़ किया गया था और यह अपोलो 13 को आलोचकों की प्रशंसा मिली और अकादमी इस पुरस्कार से इसको नामांकित भी किया गया था। कथानक 20 जुलाई 1969 की अंतरिक्ष यात्री जिम लोवेन ने एक पार्टी का आयोजन किया जहां मेहमान टेलीविजन पर अपोलो 13 से नील आर्मस्ट्रांग के चंद्रमा पर पहले कदमों को देखते थे और लोवेल जिसने अपोलो 8 पर चंद्रमा की परिक्रमा की और अपनी पत्नी मार्लिना से कहा कि वह चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए वापस आएगा। 3 महीने बाद जब लोवेल नासा के वाहन असेंबली बिल्डिंग्स का एक वीआईपी दौरा करता है तो जो उसके बॉक्स डेके इंसुलेटन को उसे सूचित किया जाता है कि उसका दल एलन सेपर्ड के चालक दल के साथ उड़ानों की अदला बदली करते हुए 14 के बजाय अपोलो 13 उड़ाएगा तो लोवेल कैन मेटिगली और फ्रेड हाइस अपने मिशन के लिए प्रशिक्षण करते हैं और अप्रैल 1970 में लॉन्च से कुछ दिन पहले मेटिगली जर्मन के खसरे की चपेट में आ गया और फ्लाइट सर्जन ने मेटिगली के बैकअप जैक स्क्वाड को उसकी जगह लेने की मांग की और ओवेल लोवेल अपनी टीम को तोड़ने का विरोध करता है। लेकिन जब इसलेटन उसके चालक दल को बाद के मिशन पर ले जाने की धमकी देता है तो वह नरम पड़ जाता है। जैसे जैसे प्रक्षेपण की तारीख नज़दीक आती है तो मार्लिन को अपने पति के अंतरिक्ष में मरने के बारे में कुछ बुरा सपना आता है और वह लेवल से कहती है कि वह अभूतपूर्व चौथे प्रक्षेपण के लिए उसे छोड़ने के लिए कैनेडी स्पेस सेंटर नहीं जाएगी। बाद में वह अपना मन बदल लेती है और उसे आश्चर्यचकित कर देती है। प्रक्षेपण के दिन हास्टन के मिशन नियंत्रण केंद्र से उड़ान निरीक्षण चीन क्रांस प्रक्षेपण की अनुमति देती है। जैसे ही सेटन की वी रॉकेट वायुमंडल में चढ़ता है तो दूसरे चरण का इंजन समय से पहले बंद हो जाता है लेकिन यान अपनी पृथ्वी के पार्किंग कक्षा में पहुंच जाता है। तीसरे चरण में अपोलो 13 को चंद्रमा पर भेजने के लिए फिर से आग लगने के बाद इस्क्वाड्स कमांड मॉड्यूल ओडिशी को चंद्र मॉड्यूल कुंभ राशि के साथ डॉक करने और खर्च किए गए रॉकेट से दूर खींचने के लिए युद्ध अभ्यास किया जाता है। मिशन में 3 दिन मिशन नियंत्रण के आदेश से स्क्रूगर्ट्स तरल ऑक्सीजन सरगमी प्रसंस्करकों को चालू करता है और बिजली की कमी के कारण टैंक में विस्फोट हो जाता है जिससे उसकी सामग्री अंतरिक्ष में खाली हो जाती है और यान लड़खड़ा जाता है। जल्द ही पता चलता है कि दूसरा टैंक लीक हो रहा है और उपभोज्य प्रबंधक सी लिबरकोट क्रास को आश्वस्त करते हैं कि ओडिसी को 3 ईंधन कोशिकाओं में से 2 को बंद करने से रिसाव को रोकने का सबसे अच्छा मौका मिलता है लेकिन कम समय नहीं यह काम नहीं करता। केवल 1 ईंधन सेल के साथ मिशन के नियम चंद्रमा पर लैंडिंग को रद्द करने का निर्देश देते हैं। लेवल और हाइस में एक्वेरियस को लाइफ बोट के रूप में उपयोग करता है और इसके करता है करने के लिए सख्त बनाया जाएगा जबकि स्वीगर्ट ने ओडिसे को बंद कर दिया और पृथ्वी पर